हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन ऑफ BSM 6 जो है। सो एजुकेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। उसमें हम एम्स ऑफ एजुकेशन, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर, करिकुलम एंड ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, रोल एंड स्टेटस ऑफ टीचर। देन एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, रोल एंड स्टेटस ऑफ टीचर। देन हम करेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में लॉर्ड मैकलर्स का मिनट था जो, उसके बारे में पढ़ेंगे और वुड्स डिस्पैच हम पढ़ेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। इससे पहले इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो चुकी है, दो पार्ट हैं उसमें, एक ग्रामर पोर्शन है एंड एक स्टोरी पोर्शन जो भी है। सो अगर कुछ बच्चों के पहले कमेंट आए थे कि कुछ मतलब स्किप हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट था स्किप हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम मैं उसको भी कवर करूँगी जल्दी ही, आपकी वीडियो अपलोड होएगी। सो क्योंकि अभी पोस्टपोन हो गया आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कुछ प्रॉब्लम इशू की वजह से, सो आप बता सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट स्किप हुआ है तो। और अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो देखिए जाके, बहुत यूज़फुल हो रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो हम वीडियो, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल वीडियो तो देखते हो बट उसको चैनल को मतलब लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो निकालते हैं तो आपकी आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सो शुरू करते हैं सबसे पहले एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ठीक है। पहले हम इंट्रोडक्शन में देखिए, जो वैदिक लिटरेचर है उसमें हमारे वैदिक संहिताज आते हैं, ब्राह्मणाज आते हैं, उपनिषदाज जो आते हैं। ये तीन जो बेसिक चीज़ें हैं जो वैदिक लिटरेचर में आती हैं। लेकिन जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ वेदास पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा था कि ऋग्वेदा जो कि वेदास, चार वेदास में फर्स्ट है, वो प्रोबेबली अर्लीस्ट बुक है जो ह्यूमंस पोजेस करते हैं, ठीक है। अब जो वैदिक एज का जो पीरियड था वो था 1500 BC से 600 BC तक, तो बेशक जो वेदास थे वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं, वो जो अवेलेबल ओल्डेस्ट टेक्स्ट है अवेलेबल इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और बियॉन्ड डाउट उन्होंने इंडियन ऋषिज को भी क्रिएट किया। अब आता है हमारा मीनिंग, जो वर्ड है वेदा वो ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत के वर्ड से विद, जिसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज़ के बारे में पता होना, दैट इज वेदा। दस तो इसका क्या मतलब कि वेदास का मीनिंग क्या है, नॉलेज ऑफ वेद, अलग अलग तरह का, जब आपको नॉलेज होगा तो उसका मतलब वेदास होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो ये ना इसने फाउंडेशन रखी थी इंडियन सिविलाइजेशन थी थ्रू एजेस, और साथ ही साथ जो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग थी उसकी फाउंडेशन भी इसने रखी थी, ठीक है। जो वेदास थे उनको कंपोज वर्सेज में उनको कंपोज किया था, लेकिन उसका जो कुछ पोर्शन था उसको प्रोजेज में भी कंपोज लिखा गया था। सो जो वैदिक प्रोज थे उनको यजुश बोलते हैं और वर्सेज को ऋचा या रिटा बोलते हैं, ठीक है। और कुछ मेलोडियस वर्सेज में होती हैं जिनको हम सामाज बोलते हैं, और जब रिचाज और सामाज इकट्ठे उनको हम सुक्तस भी बोलते हैं, जिनका मतलब होता है फाइन एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेदास थे वो एंशियंट टाइम में नहीं लिखे गए थे, बट जो वो जो टीचर्स या मतलब गुरु हुआ करते थे, उनके जो आगे बच्चे थे या उनके डिसिपल्स थे, उनके जो भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वो लिखे थे, ठीक है। तो गुरुज जो क्या करते थे, वो उनको ओरली प्रिजर्व मतलब ओरली बोलते थे, आगे उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको मतलब प्रिजर्व करके रखते थे ओरली। और बाद में जब महाभारत की एज थी तब कृष्ण दर्पण, जिसको कि वेदाव्यास बोलते हैं, उन्होंने उसको कंपाइल किया था, सॉरी, हाँ ठीक है, उन्होंने
4 संहिताज उन्होंने कंपाइल किए लिखे, जो कि हमारे 4 वेदाज है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद आते हैं। ये 4 वेद या 4 संहिताज उन्होंने जो लिखी थी, ठीक है। फिर आप इसका कंक्लूजन दे रहे, कंक्लूजन में क्या देना होता है आपको, जो भी आपने ऊपर बताया उसका शॉर्ट में आपको निचोड़ देना होता है कि आपने ऊपर क्या बताया, ठीक है। तो ये बताया कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वैदिक सिस्टम एजुकेशन का वो ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, और काफ़ी कुछ पैक्युलरिटीज़ हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। और वैदिक ऋषिज थे, और वैदिक जो ऋषिज थे उन्होंने नॉलेज सिर्फ इंडिया में नहीं बट होल वर्ल्ड को उन्होंने जो लाइट ऑफ नॉलेज थी वो उन्होंने दी थी। अब आता है हमारा एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्या है, एंशेंट अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें, वैदिक पीरियड की बात करें, तो जो शिक्षा और अध्यापना जो ये बहुत ज़्यादा यूज होते थे, ये वर्ड शिक्षा का मतलब होता लर्न टू रिसाइड, मतलब कोई चीज़ आप याद करते हो, ठीक है। उन दिनों में क्या होता था, एजुकेशन जो होती है उसमें होली टेक्स्ट, मतलब जो जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड जो भी पवित्र, जैसे हम बोलते हैं टेक्स्ट होते हैं, वो आपको लर्न कराया जाते हैं, जैसे श्लोक वगैरह हो गए, ये सारे आप पढ़ते थे, ठीक है। तो वो जो अध्यापना जो वर्ड था उसका लिटरल मीनिंग होता है टू गो, ने किसी के पास जाना। सो इससे क्या मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपने टीचर के पास जाते थे एजुकेशन के लिए। जो इंडियन एजुकेशन, एंशंट इंडियन एजुकेशन है, वो एमर्ज हुई है वेदास से, क्योंकि जो वेदास हैं वो सोर्स है इंडियन फिलॉसफी, जो इंडियन फिलॉसफी है लाइफ की, वहाँ से वो एमर्ज हुए, ठीक है। वेदास का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। सो ये आ गया हमारा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो वैदिक पीरियड में अब क्या बोलते हैं, एजुकेशन को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले एज एनलाइटनमेंट, ये कंसीडर किया जाता था कि जो एक इलिटरेट मैन होता है, एक अनपढ़ इंसान होता है, वो एक अंधे जैसा है, ठीक है। और एजुकेशन क्या करती है, हमारे माइंड को लाइटन करती है, जागृत करती है, और हमारी जो इल्यूमिनेशन होती है माइंड की, वो हमें सेल्वेशन की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो एजुकेशन से क्या होता है, डिजायरेबल एनलाइटमेंट होती है स्टूडेंट्स में, और उस एनलाइटनमेंट की वजह से इंडिविजुअल्स का जो माइंड होता है वो खुल जाता है, और उनकी जो परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड जो होता है वो चेंज होता है। फिर नेक्स्ट है एज ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी एनलाइटमेंट होती है जो एजुकेशन के थ्रू होती है, ठीक है, वो हमारे डिज़ायरेबल और बेटर चेंज लाती है एक इंसान को सिविलाइज्ड, रिफाइंड और कल्चर्ड बनाने में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये किसकी वजह से होती है, एजुकेशन की वजह से होती है। अब कहा जाता है कि इंसान जो होता है एक सोशल एनिमल होता है, ठीक है, और एजुकेशन के थ्रू, मतलब पहले तो उसको कुछ आता नहीं, बट जब एजुकेशन उसको मिलती है तो एजुकेशन उसको सिविलाइज्ड बनाती है, कल्चर्ड बनाती है, रिफाइंड बनाती है। सो एजुकेशन एज ट्रांसफॉर्मेशन भी उस टाइम एजुकेशन को कंसिडर किया जाता था। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जो एजुकेशन है वो फिजिकल डेवलपमेंट, एक इंसान की जो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट काम करता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है किसके, हर योगा से होता था, गेम्स, स्पोर्ट्स होती थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जो भी वेपन्स की ट्रेनिंग उनको दी जाती थी उस टाइम, तो ज़्यादा भाले वगैरह एंड जो ये होते हैं बो आर्चरी वगैरह होती, इन्हीं के होते थे। तो उनकी जो योगा होता था, गेम स्पोर्ट्स होते थे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती, ट्रेनिंग ऑफ वेपन्स होती, इनकी हेल्प से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी की जाती थी। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, एजुकेशन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन भी कंसीडर किया जाता था। जो भी रिचुअल्स, कस्टम और वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज, मतलब किसी भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी सेरेमनीज होती थी, इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं, कस्टम, उन सभी का नॉलेज भी उनको दिया जाता था, इसीलिए एजुकेशन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन भी बोला जाता था, ठीक है। अब हमारे आगे एम्स ऑफ एजुकेशन, वैदिक एज में एजुकेशन के एम्स क्या क्या होते थे। सबसे पहले अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज, जो एम वैदिक एजुकेशन का जो मेन एम था वो क्या था, कि आपको ऐसे नॉलेज की अटेनमेंट करवाना जो आपको एनेबल करे कि आप वर्ल्ड, मतलब जो सांसारिक सुख वगैरह जो हम जिनको बोलते हैं, या जो भी है मोह माया से छूटकर भगवान को समझ सके, आपको सुप्रीम नॉलेज हो सके। तो वैदिक एज में जो एजुकेशन है इसका मेन एम था अटेनमेंट ऑफ सुपर नॉलेज, ठीक है। और इस तरह के नॉलेज को हर चीज़ से ऊपर समझा जाता था, सबसे ऊपर रखा इसको जाता था, ठीक है। सब मतलब जो गुड और बैड इफेक्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से अलग था ये। सो ये था कि एजुकेशन जो थी उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि जो एक बच्चा है उसको स्पिरिचुअली आपने एनलाइटन करना है, रिफाइन करना है। सो अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज इज द वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। एज नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन,
फिजिकल एजुकेशन के एम को अचीव करने के लिए जो स्टूडेंट होते थे उनको एक सिंपल और काफ़ी धार्मिक जो लाइफ गुरुकुल में बितानी पड़ती, ठीक है। जो फर्स्ट एज होती थी आश्रम लाइफ की वो होती थी ब्रह्मचर्य, तो एक हेल्दी स्टूडेंट ही इस तरह की लाइफ जो कर पाता था। स्ट्रिक्ट रूल्स जो भी डिसिप्लिन के होते थे गुरुकुल में वो उनको जो फॉलो करने पड़ते, ठीक है। प्राणायाम उनको करना पड़ता है, जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जिसे होता है ना कंट्रोल रखना है अपनी ब्रीदिंग पे, तो प्राणायाम उनको करना पड़ता है। और अपने वॉइस जो भी वैदिक वर्सेस होते हैं उनको याद करना पड़ता है, रिसाइट करना पड़ता था। और भी बहुत सी उनकी ड्यूटीज और एक्टिविटीज़ उनको दी जाती है जो सब उनको करनी पड़ती थी। और इसके लिए क्या फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ करेक्टर डेवलपमेंट। करेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक बच्चे को उसमें क्या होता है कि अच्छा ही सोचना है आपको, और जो गुड मॉरल कंडक्ट के जो भी रूल्स हैं वो आपको सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। वेदास और अदर स्क्रिप्चर्स जो भी होती थी वो आपको पढ़नी पड़ती थी। जो भी बुरे ख्याल हैं बुरे काम हैं उनको आपको मतलब दूर रखना होता, उनसे खुद को बचाना होता था अपने करेक्टर बिल्डिंग के लिए। सो ये आ गया हमारा। फिर गुरुकुल्स बनाए जाते हैं, जैसे अभी स्कूल्स होते हैं ना, तो आपके स्कूल्स में हॉस्टल्स होते हैं, तो वैसे उस टाइम गुरुकुल होते थे। तो स्टूडेंट्स गुरुकुल में ही रहते थे जब तक कि प्रॉपर एज मतलब उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती, तो गुरुकुल्स बनाए जाते थे उनके करेक्टर बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इन इंस्टीट्यूशंस में ब्रह्मचारी एक सेलिब्रेट की लाइफ जो एक स्टूडेंट को लेनी पड़ती थी, और काफ़ी हार्ड और रिलीजियस लाइफ वो गुरुकुल में बिताते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑलराउंड डेवलपमेंट। उस जो वैदिक एज में जो भी एजुकेशन थी उसका एक मेन एम ऑलराउंड डेवलपमेंट भी था। अब ऑलराउंड डेवलपमेंट में हमारे फिजिकल मॉरल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल हर तरह की जो डेवलपमेंट वो आती है। सो जो वो उस टाइम की जो एजुकेशन थी वो आपको खुद के सेंसरी ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना सिखाती थी। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद के अंदर झांकने की जो प्रैक्टिस थी वो करवाती थी। आइडल मतलब काफ़ी अच्छा जो मेथड बोलते हैं हम, अपनी लाइफ में परफेक्शन लाने का अचीव करने का उसको माना जाता था। सो मैंने में इसका एक इसका ये भी था। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स। जो इंडिविजुअल एंड सोशल एम होते थे, ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ गुरुकुल में क्यों उनको दी जाती है, ताकि वो अपने इंडिविजुअल और सोशल एम्स को जो है पूरा कर सके, खुद को सिविलाइज्ड बना सके, सोशल क्वालिटीज अपने अंदर ला सकें। तो उनको सिखाया जाता था कि कैसे ट्रुथ अपनी पूरी ज़िंदगी उनको फॉलो करना है। फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़ को इनकलकेट करके मतलब उसको एक यूज़फुल एक स्टूडेंट को एक यूज़फुल मेम्बर बनाया जाता था सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो भी सैक्रिफाइशल राइट्स होते थे, जो भी धार्मिक जो भी रिचुअल्स वगैरह होते थे, वो उन एक प्राइमरी इम्पोर्टेंस थी उनकी गुरुकुल में, ठीक है। यज्ञ हुआ करते थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे गुरुकुल मतलब वैदिक एज में। सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बच्चों की उस टाइम होती थी, जो माना जाता था कि अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगी बच्चे की, तो उनको जो उनकी सोल है वो सफरिंग ऑफ टेकिंग बर्थ मतलब जो बोलते हैं ना जीवन चक्र, जीवन मरण के चक्र से बच्चा छूट जाता था, या जो भी इंसान होता वो छूट जाता था जब वो स्पिरिचुअली डेवलप हो जाता था। उसको पता चल जाता था कि ये वर्ल्डली थिंग्स कुछ नहीं है, मोमाया कुछ नहीं है। सो भगवान को जब वो जान लेता था तो वो मोमाया के चक्र से छूट कर एंड ऑल मतलब जो जीवन और मरण का चक्र है इससे भी वो छूट जाता, दोबारा उसको एक अर्थ पर नहीं आना पड़ता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जिसको हम बोलेंगे एम था एजुकेशन का वैदिक एज में। नेक्स्ट एजुकेशन फॉर कल्चर। जो उपनिषद एज थी उस टाइम जो जो भी कल्चर हमारा उसकी प्रिजर्वेशन उसके एनरिचमेंट उसके डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो एजुकेशन एक मेन रोल प्ले करता था, जो भी कल्चर होता था किसी उसको प्रिजर्व करने में उसको एनरिच करने में उसको उसके डेवलपमेंट पे। सो इट इज़ वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन दैट इज़ प्रिजर्वेशन एनरिचमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। नेक्स्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन। जो मेन एम है एजुकेशन के विदाज में वो सेल्फ रियलाइजेशन भी है। एक बच्चा जो है वो अपने आप को पूरी तरह गॉड को डिवोट कर दे, ठीक है। जो
बच्चे को मेनली क्या से उसको ओरिएंट किया जाता है टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ गॉड जो होता था अल्टीमेट एम होता था एजुकेशन का, कब? वैदिक पीरियड में। तो सेल्फ रियलाइजेशन और जो गॉड की रियलाइजेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते थे एक दूसरे के लिए, ठीक है। अगर हम जब सेल्फ रियलाइजेशन होगी तब हम तभी हम रियलाइजेशन ऑफ गॉड भी कर सकते हैं, बिना सेल्फ रियलाइजेशन के गॉड की रियलाइजेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज रिलीजियस प्रीचिंग्स। जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर था वो रिलीजन का एक व्हीकल की तरह होता, ठीक है। वैदिक एज में क्या होता था, जो स्टूडेंट्स होते थे उनको मेनली जो रिलीजन से रिलेटेड जो नॉलेज होता था वो दिया जाता था, ठीक है। तो गुरुकुल सिस्टम में जो स्टूडेंट्स होते थे उनको डिफरेंट जो रिलीजियस सेंट्स और टीचर्स होते उनकी प्रीचिंग्स पढ़ाई जाती थी, उनको टीचिंग्स उनकी बताई जाती थी। सो मेन जो होता था कि उनको रिलीजियस प्रीचिंग्स ही दी जाती थी। सो नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का नॉलेज है वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में सिर्फ नॉलेज की सेक के लिए नॉलेज नहीं दिया जाता था, बट मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इंग्लिश में जिसको सालवेशन बोलते हैं, सालवेशन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बच्चों को नॉलेज दी जाती है। जो अल्टीमेट एम होता था ह्यूमन सोसाइटी का उस एज में वो था कि एब्सोल्यूट ब्रह्मा को प्राप्त करना, मतलब सुप्रीम गॉड ब्रह्मा जो है उनको प्राप्त करना, वो जो मेन एम उनका होता था। सो लिटरेचर का नॉलेज भी एक मेन एम था एजुकेशन का वैदिक एज में। सो ये और भी आपको दिए गए हैं, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, इनकल्केशन ऑफ स्पिरिट ऑफ पिटी एंड राइटेजनेस, प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ एंशियंट कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि जो एजुकेशन का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एजुकेशन का एम तब भी था, आज भी है, ठीक है। अब एजुकेशन लेता है एक बच्चा, उससे उसको नॉलेज मिलता है एंड उससे क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। सो ये भी एक मेन एम था वैदिक एजुकेशन का। इनकलेशन सिविल और सोशल ड्यूटीज़ को इनकलकेट करना। एक अब एक बंदा, मतलब कोई भी इंसान होता है वो सोसाइटी में रहता है, तो कुछ सिविक और कुछ सोशल ड्यूटीज़ होती हैं उसकी एक बेटर लाइफ जीने के लिए। सो उन ड्यूटीज़ और सोशल और सिविक ड्यूटीज़ की इनकल्केशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक बेटर लाइफ अगर इसने लीड करनी हो तो। नेक्स्ट है वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल एफिशिएंसी की प्रमोशन भी एक मेन एम था वैदिक एजुकेशन का। सो ये और भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इनमें से और कोई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स हो गया, ठीक है, जो एक इंसान होता है वो अपने जो भी इंस्टिंक्ट होते हैं उसके फिजिक में, तो उसका एक स्लेव होता है, और जब वो अपने सेंसेस से ऑब्सेस्ड हो जाता है, मतलब उनके अधीन हो जाता है, तो वो गलत रास्ते पे भी चल पड़ता है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का, वो क्या होता है कि वो जो उसके इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी है, जो भी उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको एक राइट वे में वो इन सब्लिमेट करे। तो दैट इज़ द वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। एंड नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी, प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस, स्टडी ऑफ लिटरेचर। सो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, जितने भी हमने ऊपर एम्स ऑफ एजुकेशन बताए, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वैदिक एजुकेशन थी आइडलिस्टिक फॉर्म में थी, जो टीचर्स होते थे वो भगवान की जो वर्शिप थी उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते थे, जो भी रिलीजियस ना धार्मिकता थी, स्पिरिचुअलिटी थी, करेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, नेशन एंड सोसाइटी के जो जो भी एप्टीट्यूड्स होते हैं, इन सभी पर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस देते थे। अब नेक्स्ट हमारे करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, ठीक है, करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स कैसी थी वैदिक के पीरियड ऑफ एजुकेशन में। तो सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था वैदिक एज में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरुओं के घर पर रहते थे, वहाँ पर एजुकेशन लेते थे, जिनको हम गुरुकुल बोलते थे, ठीक है। गुरु 12 साल तक जो एक स्टूडेंट होता अपने गुरु के साथ रहता था, गुरु के साथ ही रहता था, उनकी सेवा करता था, उनको ही पूछता था, ठीक है। जो गुरु होता था वो स्टूडेंट का फादर और गॉड दोनों, एज अ गॉड एंड जो भी फादर है उसको एज अ वो सर्व करता था, ठीक है। स्टूडेंट जो भी आश्रम लाइफ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो एक स्टूडेंट को फॉलो करने पड़ते थे। कोई भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता था कि वह आश्रम के रूल्स को वायलेट करे, और अगर ऐसा कि अगर कोई करता था ऐसा तो उनको पनिश भी किया जाता था। नेक्स्ट उपनयन एक सेरेमनी होती है, जब बच्चे को गुरु लिख के जाता है उससे पहले ये सेरेमनी की जाती थी, ठीक है। और ये सेरेमनी किसी क्या मार्क करने, मतलब एजुकेशन शुरू होने वाली है इस चीज़ को मार्क करने के लिए सेरेमनी हुआ करती थी, और एक प्रेस्क्राइब्ड एज लेवल पे ये होती थी, ठीक है।
और जो एज लिमिट थी वो कास्ट टू कास्ट वेरी करती थी, एट ईयर्स में की जाती थी, इलेवेंथ ईयर में या ट्वेल्थ ईयर में की जाती थी ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रिय और वैश्यास के लिए। जो वर्ड है उपानाय उसका मतलब होता है टेक क्लोज टू या फिर ब्रिंग इन टच। ठीक है, मतलब किसी के पास ले जाना या किसी के टच में लाना, ये उपनाय का मतलब होता है। तो ये जो सेरेमनी थी गुरु के साथ भेजने से पहले की जाती थी। फिर सेलिब्रेसी या ब्रह्मचर्य, सिर्फ अनमैरिड जो होते थे वो ही गुरुकुल के स्टूडेंट बन सकते थे। हर स्टूडेंट जिसको मतलब जो गुरुकुल में रहता था उसको सेलिब्रेसी ऑब्जर्व करनी पड़ती थी। सो और जो प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब आपके जो कंडक्ट है, आपका जो बोल चाल है, आपका तरीका है, वो एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम इम्पॉर्टेंस का माना जाता था। ठीक है, सो सेलिब्रेसी भी एक वो था। नेक्स्ट इज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। जो हर स्टूडेंट होता था उसको अपने टीचर को पूरे मन से उसको सर्व करना पड़ता था। जो भी गुरुकुल था उसको साफ सुथरा रखना, गाय को चारा खिलाना, पानी लाना, बाकी जो भी काम होते थे जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करना, वो सारे काम ये रेगुलर एक्टिविटीज़ होती, ड्यूटीज़ होती स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है, जो उनको गुरु देते थे। ठीक है, तो अगर कोई गुरु की जो आज्ञा का पालन नहीं करता था तो जो उसको एज सिन माना जाता था और उसे पनिश भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वोकेशनल एजुकेशन। जो वोकेशनल एजुकेशन थी वो बच्चों को दी जाती थी गुरुकुल्स में। ठीक है, जो क्षत्रिय होते थे जैसे उनको वेदास की नॉलेज देती, लॉजिक बता, मिलिट्री सर्विसेज उनको बताई जाती थी। ठीक है, जो वेश्याज होते थे उनको एग्रीकल्चर, ट्रेड और एनिमल हस्बेंड्री की एजुकेशन दी जाती थी। और सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन तक लिमिटेड ही नहीं थी वो, और सिस्टम जो इस टाइम में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था सिर्फ बुक लर्निंग और बेसिक नॉलेज पे बेस्ड नहीं था, बट एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में नॉलेज को अप्लाई करना भी जो एम्फेसिस वो उस पे देता था। नेक्स्ट हमारी है रिलीजियस एजुकेशन। जो कोर्सेज होते हैं स्टडी के वैदिक पीरियड में वो मोस्टली रिलीजन से रिलेटेड थे, जिसमें जो मेन एम होता था वो होता था काइंडनेस, फॉरगिवनेस, प्रिजर्वेंस और नोबलनेस को क्रिएट करना, जनरेट करना। ठीक है, सो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन नॉलेज ऑफ रिचुअलिज्म, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सभी का वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज, मतलब जो भी रिलीजियस कस्टम है, रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, उनसे रिलेटेड इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ माना जाता है एजुकेशन का। नेक्स्ट हमारा आता है साइकोलॉजिकल सिस्टम। जो करिकुलम था वो साइकोलॉजी बेस्ड जो हमारा करिकुलम उस टाइम होता था। दो तरह के सिस्टम उस टाइम एनकरेज होते हैं, वर्बल और मेडिटेटिव। ठीक है, उनको साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को जो ट्रीट किया जाता था, गुरुज जो स्टूडेंट्स पे लिमिटेशंस रखते थे और उनको उसी तरह से पढ़ाते और ट्रीट करते थे। नेक्स्ट हमारा वुमेन एजुकेशन। जो करिकुलम होता था वुमेन एजुकेशन का वो भी वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में डिज़ाइन किया हुआ था। डिफरेंट जो रिलीजियस रिचुअल्स होते थे उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, उनको भी प्रैक्टिकल यूजफुल हैंडीक्राफ्ट और जो हाउस होल्ड ड्यूटीज थी वो उनको सिखाई जाती थी। ठीक है, और लेकिन जो गर्ल्स स्टूडेंट थे उनको उनकी नीड्स और लिमिटेशंस के तौर पे ही उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। फिजिकल एजुकेशन आती है हमारी नेक्स्ट। जो भी आर्ट क्राफ्ट का प्रोविजन था करिकुलम में होता था वैदिक एज में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, सी ट्रेड भी उस टाइम होता था। फिर आगे डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ हेल्प एंड ड्यूटी, एक कंक्रीट लेसन एज अ कंक्रीट लेसन उसको कंसीडर किया जाता था। वेरियस वर्चुज हैं जो सेल्फ हेल्प के और सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और सोसाइटी की तरफ जो हमारी ड्यूटीज हैं उनमें। सो जो करिकुलम में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी वैदिक एज में। फिर आ गया सर्विस ऑफ द टीचर। जो सर्विस ऑफ द टीचर क्या है, हर स्टूडेंट मतलब एवरी स्टूडेंट रिक्वायर्ड बाय रिजाइडिंग इन द गुरुकुल टू सर्व हिज टीचर कंपलसरी। मतलब जो भी बच्चा गुरुकुल में रह रहा है उसको अपने टीचर को सर्व करना ही है, उनकी सेवा करनी है, वो कंपलसरी होता। और गुरु की किसी भी इंस्ट्रक्शन का वायलेशन करना एज पाप माना जाता था, और उसके लिए जो भी स्टूडेंट था उसको जो क्या वो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है, और डेली नेसेसिटीज जैसे पानी हो गया,
दातुन हो गई, लकड़ियाँ हो गई, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको करनी पड़ती थी अपने खुद के लिए भी और अपने टीचर्स के लिए भी। फिर स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, उस टाइम वैदिक पीरियड में जो भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाता था वो बच्चे के नीड्स, उसके इंटरेस्ट और उसके एप्टीट्यूड्स को मतलब ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया जाता था। नेक्स्ट हमारा वेदोज और स्टडी ऑफ वेदास एंड वैदिक लिटरेचर। जो स्टडी ऑफ वेदास थी और वैदिक लिटरेचर थी वो कंपल्सरी थी वैदिक पीरियड में। जो मतलब डोमिनेटिंग स्टडी किसकी होती थी? वैदिक लिटरेचर की, वेदास की, स्पिरिचुअल मॉरल वैल्यूज की। हर स्टूडेंट को चार वेदास जो हमारे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी स्टडी करनी पड़ती थी और जो हमारे लिटरेचर है वो इसके साथ ही एसोसिएट था। नेक्स्ट है हमारा, और भी आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं लाइक लॉजिक एंड रीजनिंग, मेडिटेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, ये हमने कर लिया। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये साइड पॉइंट्स आप इनमें से अगर कोई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, ठीक है, मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स थी जो उस टाइम यूज़ की जाती थी। जो वो वैदिक सिस्टम का एजुकेशन वो साइकोलॉजिकल था, ठीक है। वर्बल एजुकेशन इस तरह से उनको इम्पार्ट की जाती थी कि वो 1000 ईयर्स तक प्रिजर्व रहे, ठीक है। जो हिम्स थे, जो भी श्लोक वगैरह थे, वो रिमेम्बरिंग से याद रखे जाते और मेडिटेशन के थ्रू उनको रियलाइज किया जाता, ठीक है। जो आचार्य होते थे वो हिम्स बोलते थे करेक्टली और जो स्टूडेंट्स होते थे उनके वो उनको आगे रिपीट करते थे, ठीक है। मिस्टेक्स जो भी स्टूडेंट्स करते थे उनको करेक्ट किया जाता था, ठीक है। फिर आगे सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इसमें करेक्ट प्रोनंसिएशन। जो संहिता पथा, नाद पथा, जयपथ और ज्ञान पथ थे वो हिम्स को एंटायरली करेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस किए जाते थे। अराउंड 52 साउंड्स थे, 13 वॉवल्स और 39 कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है। जो करेक्ट प्रोनंसिएशन थी इन सब की वो अटेन की जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारे मेडिटेशन, ठीक है। इसमें आता है हमारे मंत्राज वर्ड जो आता है, जिसका मतलब होता है बोन ऑफ मेडिटेशन, मतलब जो मेडिटेशन से बोन हुआ वो होता है मंत्रा। तो जो मेडिटेशन थी वो जो भी मंत्राज आप पढ़ रहे हो उनकी डेवलपमेंट, उनका मीनिंग प्रिजर्व करने में हेल्प करती थी। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टर बिल्डिंग। सो करेक्टर बिल्डिंग में जो वैदिक टीचर थे वो उनका मानना था कि अगर बच्चों में स्टार्टिंग से ही उनके अर्ली लाइफ से उनको अच्छी आदतें सिखाई जाएंगी तो उनकी जो फ्यूचर लाइफ होगी वो पीसफुल और हैप्पी होगी, इसलिए उनके करेक्टर बिल्डिंग पे भी फोकस दिया जाता था। नेक्स्ट आ गया हमारा मीनिंगफुल एजुकेशन। मीनिंगफुल एजुकेशन में क्या होता है कि वैदिक एजुकेशन में जो मीनिंगलेस नॉलेज होता है उसको कंडेम्ड किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया। उनका मानना था कि अगर एक मतलब किसी बंदे को अगर आप मीनिंगलेस नॉलेज देते हो तो उसको हम जैसे एक गधे पे हमने चंदन की लकड़ियाँ लाती होती हैं उससे कंपेयर उन्होंने उसको किया था। तो उनका मानना था कि अगर किसी को आपने देनी है तो उसको मीनिंगफुल एजुकेशन आपने देनी है, ऐसे उसको एजुकेशन देने का कोई जो बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, साइकोलॉजिकल सिस्टम था, जिस पहले बताया आपको, उसमें दो हमारे जो सिस्टम है जो वो एनकरेज होते हैं, जो वर्बल और मेडिटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेन एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी एजुकेशन के लिए। जो वैदिक पीरियड था उसमें हर किसी को हक था कि वो हायर एजुकेशन अटेन करे बिना किसी कास्ट और जो ग्रेड के बेसिस पे उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। वुमेन ऑल्सो, वुमेन एजुकेशन है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो वुमेन्स को भी प्रॉपर एजुकेशन अटेंशन वैदिक एज में दी जाती थी। जो भी रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, यूजफुल डॉट्स होते और प्रैक्टिकल हैंडीक्राफ्ट हाउस ड्यूटीज थी, उन सभी में वो पार्टिसिपेट करती थी। फिजिकल एजुकेशन भी इंक्लूडेड थी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स में। तो जो स्टूडेंट्स थे उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी वैदिक पीरियड में, फुल अटेंशन उनकी हेल्थ को दी जाती थी। रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी उनको, नेचुरल सराउंडिंग में उनको पढ़ाया जाता था। उनके मेंटल कैपेसिटी है जो स्टूडेंट्स की उनके अकॉर्डिंग उनको जो भी टीचिंग्स है वो दी जाती थी। फिर रेसिटेशन मेथड, ठीक है, हर दिन जब वर्ड्स के बोलने से पहले मतलब कि सुबह सुबह स्टूडेंट्स को जो भी वैदिक हिम्स होते थे, श्लोक होते थे, वो उनको रिसाइट करवाए जाते थे और रेसिटेशन मेथड उस टाइम यूज़ होता था। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं लाइक लर्निंग थ्रू सेमिनार्स एंड सिम्पोजियम, फ्रीडम ऑफ पुटिंग क्वेश्चंस, टीचर
पीपल रिलेशनशिप लर्निंग बाय डूइंग डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्चूज वर्बल मैथड टीचिंग ऑफ ग्रामर डेलिब्रेशन मैथड डिस्कशन मैथड लॉजिक एंड रीजनिंग एबिलिटी. तो अगर आप इनमें से कोई पॉइंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है डिसिप्लिन. अब कुछ प्रिंसिपल्स थे डिसिप्लिन से रिलेटेड जो वैदिक पीरियड में दिए गए थे. जैसे सबसे पहले कि जो वैदिक सिस्टम था एम्फेसिस का, उसका मतलब उनका मानना था, वो एम्फेसाइज करते थे कि नॉलेज के अटेनमेंट के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो और सेल्फ डिसिप्लिन था जो स्टूडेंट्स को वो सिखाया जाता था. जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम के जो रूल्स थे सेल्फ कंट्रोल के द्वारा उनको रियलाइज करवाए जाते थे. कोई मतलब बहुत मुश्किल से अगर मतलब किसी बच्चे जैसे बोलते हैं थोपना रूल्स और रेगुलेशन थोपने पड़ते, नहीं तो बच्चे खुद ही जो भी नॉलेज गैदर कर लेते. रूल एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं स्क्रिप्चर्स से. किसको भी स्क्रिप्चर कमांड जो डिसिप्लिन से रिलेटेड उस पर क्वेश्चनिंग करने का कोई वो नहीं था. ठीक है, डिसिप्लिन सेल्फ इम्पोज होता था एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कल्चर. ठीक है, जो वैदिक ऋषिज होते हैं बहुत ग्रेट डिसिप्लिनर्स होते थे. जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्राउंड पे सोते थे, सब सिंपल खाना खाते थे और अपने गुरु को हर तरह से उनकी जो भी वो बोलते थे मतलब उनको उनकी बात मानते थे. जो भी उनको जॉब्स दी जाते थे गुरुकुल में, वो स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने होते थे और जो भी गुरु के इंस्ट्रक्शन थे वो सारे उनको फॉलो करने पड़ते थे. ठीक है, और जो स्टूडेंट्स जो प्राइम ड्यूटी होती थी टीचर अपने टीचर उसकी फैमिली को सर्व करना. नेक्स्ट बात है रोल ऑफ स्टेटस ऑफ टीचर. अब वैदिक एज में जो टीचर का रोल था और उसका जो स्टेटस था वो क्या था. ठीक है, तो वैदिक एज में जो टीचर्स थे उनको एक हाई पोजीशन मिली हुई थी. उनको बहुत फ्रॉम जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के व्यू से देखें तो काफ़ी हाई पोजीशन, उनको हाईएस्ट सेलिबर उनको माना जाता था. ठीक है, हाई रेपुटेशन होती थी उनकी. फिर जैसे हम देवताओं को मानते हैं, जैसे हमारे अग्नि की और इंद्रा की तरह उनको भी हम गुरुज को भी मानते थे. उनकी जो फुल अटेंशन वो अपने बच्चों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ देते थे. अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे. फूड एंड लॉगिंग जो भी होती थी मैनेज करते थे. जो भी जब बच्चों को ज़रूरत होती थी उनकी हेल्प भी करते थे. जो बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती थी. जो बच्चों अपने बच्चों में बेस्ट और हायर क्वालिटीज जो लाना डेवलप करना वो हमेशा गुरु की जो कोशिश रहती थी. जो गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशन था वो जैसे एक पिता और बेटे के बीच में रिलेशन होता है ऐसा रिलेशन उन दोनों के बीच में था. तो अपने बच्चों को बहुत अफेक्शनली वो देखते थे, उनको पढ़ाते थे. ठीक है, कभी अपने बच्चों को सफ़र करने के लिए, अपने स्टूडेंट को सफ़र करने के लिए वो नहीं छोड़ते थे. एंड जो भी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करते थे. अपने बच्चों में गुड क्वालिटीज़ को कल्टिवेट करने की हमेशा कोशिश करते थे. अपने स्टूडेंट्स को वेल डिसिप्लिन और वेल बिहेव्ड बनाते थे. जो भी बच्चों के डाउट्स होते थे उनको क्लियर करने की वो हेल्प मतलब कोशिश हमेशा करते थे. ठीक है, कुछ प्रॉपर रूटीन ड्यूटीज़ दी होती थी जिनके मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए. तो वो जैसे इन ड्यूटीज़ में आते गुरु की सेवा करनी होती थी, जो भी गुरुकुल है उसको साफ रखना है. जो जैसे कोई रिचुअल होगा उसके लिए जो भी मतलब तैयारियां करनी है वो उनको करनी होती थी. फिर गाय को घास वगैरह देना, ज़मीन पे सोना, सिंपल खाना खाना, अपने गुरु की आज्ञा मानने, ये सारे ड्यूटीज़ उनकी होती थी. तो ये हमारा आ गया वैदिक एज में जो हमने किया. और हम एम्स अब इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि जो वैदिक एजुकेशन थे उसके एम लॉफ्टी थे. ठीक है, फुल अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जाती थी अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने ट्रेड्स को फुली डेवलप करने के लिए. ठीक है, और जो वैदिक एजुकेशन थी वो केपेबल थी कि वो बच्चों को करेक्ट उसकी करेक्टर बिल्डिंग करे, उसके वेरियस जो नॉलेज है और इकोनॉमिक प्रस्पेक्टिव है उनको भी वो डिवेल्प करे. सो ये आ गया हमारा एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक एज. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वो है एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड. ठीक है, लॉर्ड बुद्धा थे जो बुद्धिज़्म था वो लॉर्ड बुद्धा ने इसको डिस्कवर किया था. आपको पता ही होगा गौतम बुद्धा थे जिन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है एजुकेशन का मिडिवल इंडिया का वो बुद्धिस्ट सिस्टम है एजुकेशन का. और मुस्लिम रूलर्स के अंदर मुस्लिम सिस्टम. ठीक है, जो 5th century BC था तब बुद्धिस्ट एजुकेशन एग्जिस्टेंस में आई थी. जो भी ब्रह्मानिकल सिस्टम थे एजुकेशन के
उसके जो इल्स थे उनके अगेंस्ट में, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि कुछ कॉमन लोग थे, उनको जो राइट टू एजुकेशन था उनको डिप्राइव कर दिया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा, तो उनके अगेंस्ट में उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये आया था, ठीक है। तो सबसे पहले अब एम्स ऑफ बुद्धिस्ट जो एजुकेशन थे, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थे उनके एम्स क्या थे, सॉरी, इससे पहले जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो दो स्टेजेस में, प्राइमरी और हायर स्टेजेस में उनको डिवाइड किया हुआ था, और हर स्टेज का अपना एक करिकुलम होता है। जैसे प्राइमरी स्टेज पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस था वो एक बच्चे की लाइफ को आइडियल लाइफ बनाने पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था बुद्धिस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें एक बच्चे को बेसिक नॉलेज रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक की दी जाती थी, और 6 साल तक के बच्चों को इस लेवल ऑफ एजुकेशन में एडमिट किया जाता। फिर उसका हायर स्टेज आते थे, इसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसमें लिटरेचर भी आता है, मेडिकल भी, मेडिसिन भी आता है, लॉ भी आता है, फिलोसफी, रिलीजन, मिलिट्री साइंस, एस्ट्रोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और ऐसे इसके अलावा और भी बच्चों को जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, क्राफ्टमैनशिप की, लॉजिक, आर्चरी, मैजिक, आर्ट, म्यूजिक, डिफरेंट जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स इनको मिलते हैं, इनके नॉलेज भी इनको दी जाती थी, ठीक है। अब हमारा आता है कि जो एम्स थे जो भी बुद्धिस्ट एजुकेशन के वो क्या थे। तो सबसे पहला एम जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का था वो था एट फोल्ड पाथ, एम्स ऑफ एजुकेशन थे उनके। अब एट फोल्ड पाथ सबसे पहले आता है कि टू प्रोवाइड द राइट नॉलेज। फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एजुकेशन का जो एम था वो था कि इंसान को राइट नॉलेज देना और सेल्फ नॉलेज उसको देना, एक मतलब इग्नोरेंस उसकी दूर करने के लिए, फॉल्स परसेप्शन जो मटीरियल वर्ल्ड किसने डेवलप कर लिया को दूर करने के लिए राइट नॉलेज एक मैन को देना, ह्यूमन को देना, ये एटफोल्ड पाथ में से सबसे पहला एम जो एजुकेशन का वो था। दूसरा था एक टू क्रिएट द राइट विल। राइट नॉलेज के साथ साथ एक इंडिविजुअल में हमने राइट विल भी क्रिएट करनी है। नेक्स्ट इज टू गिव राइट स्पीच। राइट स्पीच जो हमने देनी है एजुकेशन को, एक इंडिविजुअल को ट्रेन करना है कि वो राइट स्पीच दे सके, तो उसको सिखाने की कैसे वो अपनी स्पीच को बैलेंस बनाए, अप्रोप्रिएट बनाए किसी भी ओकेजन या सिचुएशन से रिलेटेड। फिर आगे टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट जो भी हमने डेवलप करना है, जो कंडक्ट का इंडिविजुअल का वेल रिफाइंड होना चाहिए। सो इन एक्शंस में क्या आते हैं, नॉन वायलेंस आती है, ट्रूथ, गुडनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स आती है। फिर है कि राइट वोकेशन आपको अडॉप्ट करना है, एक इंडिविजुअल को जो राइट वोकेशन अडॉप्ट करना है इन ऑर्डर टू अपने लाइवलीहुड के लिए। अब एक बंदे की जो वोकेशन होगी, चॉइस वोकेशन, वो उसके इंटरेस्ट, स्किल और टेस्ट पे बेस्ड होगी। फिर है टू डू राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज करना, जो इंडिविजुअल होगा उसको अपनी लाइफ में राइट एक्शंस एक्सरसाइज मतलब करने हैं, लेने हैं। बैड थॉट्स और फीलिंग्स को उसके अपनी लाइफ में कोई जगह नहीं देनी, आइडियल थिंग्स उसको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर उसको ध्यान रखना है कोई भी बैड थॉट या कोई भी बैड फीलिंग उसके माइंड में एंटर ना करें। नेक्स्ट इज टू डेवलप राइट मेमोरी। राइट मेमोरी हमने डेवलप करनी है, जो इंडिविजुअल के पास एक जो वो होनी चाहिए, रिकॉलिंग उसकी जो पावर होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। राइट नॉलेज, अगर गुड मेमोरी पावर नहीं होगी तो राइट नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो एक इंडिविजुअल के पास राइट मेमोरी भी होनी चाहिए, गुड रिकॉलिंग पावर भी। टू राइट टू डेवलप राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन की डेवलपमेंट भी एक एम है एजुकेशन का बुद्धिस्ट पीरियड में। गुड कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिविजुअल को हेल्प मिलती है मेडिटेशन करने में, और मेडिटेशन एक प्री रिक्वेस्ट है अल्टीमेट जो एम्स होते हैं हमारी लाइफ के उनको अचीव करने के लिए, उनको अटेन करने के लिए। अब ये सारे हमारे आते हैं एट फोल्ड पाथ जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उनके। नेक्स्ट हमारे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो सत्य और अहिंसा एक इंपॉर्टेंट एम था बुद्धिस्ट एजुकेशन का, ठीक है। और इसका मतलब हम यहाँ पे हम ट्रेस कर सकते हैं इसके जस्टिफिकेशन, जो भी रूल्स एक स्टूडेंट के लिए बनाए जाते थे जब वो एक मॉन्क बनता था, तो जैसे उनको बोला जाता है कि किसी भी लिविंग बीइंग को, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें जान है उसको नहीं मारना है, ठीक है, करेक्टर की इम्प्योरिटी से दूर रहना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, तो ये सारे इसमें आते थे। फिर करेक्टर बिल्डिंग, वही कि एक इंसान जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी, बुद्धिस्ट सिस्टम था एजुकेशन का, उनका एम था करेक्टर बिल्डिंग का, एक ऐसा
अच्छा इन्वायरमेंट बनाना जिससे पॉजिटिवली जो एक इंसान का जो करेक्टर है वो बिल्ड हो। नेक्स्ट हमारा आता है प्योरिटी ऑफ थॉट एंड माइंड। जो प्योरिटी ऑफ थॉट माइंड है वो डायरेक्टली रिलेटेड हमारे इन्वायरमेंट से जहाँ पे एक इंसान रह रहा है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो एम था वो क्या था, प्योरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, उनका जो मेन फोकस रहता था वो था मॉरल करेक्टर की डेवलपमेंट में रादर देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। टोटल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना भी बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक मेन एम था। जितने भी बच्चे के ट्रेड्स होंगे जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो वो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी वो उनको डेवलप करता था। नेक्स्ट हमारे कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जैसे पहले हमने पीछे भी किया कि कोई भी एजुकेशन होती है उसका वन ऑफ द मेन एम्स होता है कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जो भी कल्चर है उसकी उसको कंजर्व करना, उसको ट्रांसमिट करना एक इम्पॉर्टेंट जो एम होता है एजुकेशन का, और कल इसका बुद्धिस्ट एजुकेशन का भी था। नेक्स्ट हमारे डेवलपमेंट ऑफ मॉरल करेक्टर। मॉरल करेक्टर को डेवलप करना भी एक मेन एम है स्टूडेंट्स का। जो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट वो क्रिएट किया जाता था ताकि बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। रिलीजियस हो गया हमारे उसको अपने रिलीजन की नॉलेज दी जाती है, उसको स्पिरिचुअली एनलाइटन किया जाता था, और उसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ लाइक ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, प्योरिटी, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी इनकलकेट एक स्टूडेंट में की जाती थी। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर निर्वाणा। एजुकेशन फॉर निर्वाणा हो गया कि मोक्ष जिसको हम बोलते हैं ना, मोक्ष और सेल्वेशन के लिए बच्चे को जो एजुकेशन वो दी जाती थी। और कहा जाता है कि जो निर्वाणा है वो जो अल्टीमेट एम होता है एक लाइफ का, सो उसके लिए हमें एजुकेशन दी जाती थी बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। फिर नॉलेज ऑफ फोर नोबल ट्रूथ। फोर नोबल ट्रूथ क्या है कि सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग एंड वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग, ये फोर नोबल ट्रूथ का नॉलेज भी एजुकेशन का जो मेन एम हुआ करता था बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रोल एंड स्टेटस ऑफ टीचर। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो एक टीचर का रोल, उसका स्टेटस था वो क्या था कि फोर नोबल ट्रूथ का नॉलेज उन्होंने स्टूडेंट्स को देना है। ठीक है, एट फोल्ड पाथ जो बुद्धिज्म ने दिए उसको फॉलो करना है, प्योरिटी ऑफ करेक्टर उसमें होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल जो भी एजुकेशन सेटअप होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सिंपल लाइफ उसको स्पेंड करनी है, फुल फ्रीडम स्टूडेंट्स को देनी है अपने व्यूज़ टीचर के सामने रखने के लिए, और जो भी टीचर रिस्पॉन्सिबल होगा भी जो भी उनके रहने सहने, उनके कपड़े खाने पीने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होगी। ठीक है, हर टाइप की पॉसिबल ट्रीटमेंट जो बीमार बच्चे जैसे होंगे उनको देना टीचर की ड्यूटी होती थी, और जो भी उनके स्टूडेंट्स थे टीचर्स के, टीचर उनको एज जैसे वो अपने खुद के बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट उन्होंने करना होता था। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव और फेथ होनी चाहिए थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल हेल्प जो स्टूडेंट्स को टीचर ने देनी है, मतलब टीचर्स को ऑब्जर्व करना होता था कि जो भी रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं जो भी स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो स्टूडेंट कंडक्ट मतलब उनको फॉलो करें। ठीक है, सब जो स्टूडेंट्स होता था उन्होंने टीचर्स को सब करना होता था। अब नेक्स्ट हमारा आता है करिकुलम। ठीक है, दो पार्ट्स में एजुकेशन ड्यूरिंग पीरियड में डिवाइडेड थी, प्राइमरी एजुकेशन हायर एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन में उनको रीडिंग राइटिंग और एथमेटिक सिखाया जाता है, और हायर एजुकेशन में उनको जो रिलीजन, फिलॉसफी, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन, आयुर्वेद वगैरह से रिलेटेड हर मतलब उनको जो एजुकेशन दी जाती थी, और हर किसी को फ्रीडम होती थी, वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते थे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और उनका करिकुलम डिज़ाइन किया जाता था सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे ब्रह्मानिक एजुकेशन, ठीक है, ये भी जो ब्रह्मानिक एजुकेशन थी बुद्धिस्ट पीरियड में ये भी चलती थी। बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑल्सो जो ब्रह्मानिक एजुकेशन के सब्जेक्ट होते हैं जैसे फोर वेदास हो गए, हिस्ट्री, पुराण हो गए, इन सभी की जो ये सभी भी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी उसमें पढ़ाए जाते हैं। फिर संस्कृत का नॉलेज बच्चों को दिया जाता है जो हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी होता था, तो उनको संस्कृत के जो अल्फ़ाबेट्स थे, जो भी समा कंपाउंड्स थे, वो पढ़ाए जाते थे। फिर रिलीजियस और मटेरियल जो एजुकेशन थी वो उनको दी जाती थी। उनके दो तरह के उनके सिलेबस होता है, रिलीजियस और मटीरियल। ठीक है, जो रिलीजियस सिलेबस होता है उसमें वेदास और बुद्धिस्ट लिटरेचर की टीचिंग दी जाती है, और मटीरियल सिलेबस में जो अटेंशन होती है मटीरियल और फिजिकल नीड्स होती हैं एक सोसाइटी की, उस पर एम्फसिस होता था। फिर उनको स्पोर्ट्स और गेम्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है मॉन्टेसरी लाइफ का, बट कुछ
लाइटर साइड छोड़ी जाती थी स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए। बहुत से वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते थे बुद्धिस्ट पीरियड में। फिर वोकेशनल कोर्सेज उनको दिए जाते हैं जिससे वो अपने स्टूडेंट्स कल को खुद की लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सकें। तो वोकेशनल एजुकेशन भी उनको दी जाती है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ उनको करवाई जाती है, जैसे स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, क्लोथ पेंट मतलब पेंटिंग ऑफ क्लोथ्स हो गया, ट्रेलिंग, स्केचिंग, अकाउंटेंसी जो भी सर्जरी वो सारा भी उनको करवाया जाता था। ठीक है, टूर्स और ट्रैवलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। बच्चों को टूर पे पिकनिक्स पे लेकर जाया जाता है हिस्टोरिकल एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी प्लेसेस होती थी वहाँ पे। ठीक है, फिर नेचर की स्टडी, लॉ और मिलिट्री ट्रेनिंग भी बच्चों को बुद्धिस्ट एजुकेशन के पीरियड में दी जाती थी। ग्रामर का जो जनरल नॉलेज होता है वो उनको मतलब उसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, वो बच्चों को दिया जाता है। पेदास की लर्निंग उनको करवाई जाती थी, वर्ड्स की जो वर्ड्स को भी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने शामिल किया होता और इनको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम वो मानते थे। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन उनको दी जाती, लॉजिक एंड रीजनिंग, बुद्धिस्ट लिटरेचर उनको पढ़ाया जाता, क्राफ्टमैनशिप में जैसे वीविंग, पेंटिंग, स्पिनिंग होगी, इन सभी का नॉलेज उनको दिया जाता था। मटेरियल नॉलेज, वोकेशनल एजुकेशन नॉलेज ऑफ नोबल ट्रूथ्स उनको बताया जाता था। सो नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले डिस्कशन मेथड से उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, डिस्कशन इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी जनरल पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए। सो जो डिस्कशन मेथड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता था और बुद्धिज्म में इसकी प्रमोशन भी हुई थी। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग और एनालिसिस। रीजनिंग एनालिसिस के जो भी टीचर थे, सॉरी जो टीचर्स होते थे वो रीजनिंग स्किल्स बच्चों को सिखाते थे और जो होल एस्पेक्ट होता है लेसन का उसको एनालाइज करने की कोशिश भी करवा जी सॉरी। नेक्स्ट इज डिबेट और सिंपोजियम का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था हायर एजुकेशन में। सो डिबेट और सिंपोजियम का जो यूज़ भी किया जाता था। फिर क्वेश्चन आंसरिंग मेथड होता था कि आप मतलब किसी को कोई डाउट है वो क्वेश्चन पूछ सकते थे और जो टीचर होता था उनके डाउट क्लियर करता था। मेडिटेशन, सुप्रीम नॉलेज गेन करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी थी जिससे हमें सेल्वेशन मिलती थी, तो मेडिटेशन का जो मेथड है वो भी उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू एजुकेशन का जो भी हमारे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में था। नेक्स्ट हमारा डिसिप्लिन आता है। ठीक है, उस बुद्धिस्ट फिलॉसफी का कहना था कि जो डिसिप्लिन है वो हार्श नहीं होना चाहिए, कोई कॉरपोलर पनिशमेंट बच्चों को नहीं दिए जानी चाहिए। आइडियल रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एक आइडियल लाइफ जो बुद्धा की एट फोल्ड पाथ में वो बच्चों को दी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी जो लाइफ होता है वो स्पेंड करना चाहिए और एक सिंपल और पायस लाइफ, धार्मिक लाइफ स्टूडेंट्स को जीनी है। हर जो न्यू स्टूडेंट था उससे मतलब वो उससे शपथ ली जाती थी कि आई टेक रिफ्यूज ऑफ बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज विद द रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज विद द ऑर्डर। ठीक है, जो न्यू कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको 10 रूल्स बताए जाते थे जो उनको फॉलो करने होते थे, जैसे नॉट टू किल लिविंग थिंग्स, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ड्रिंक वगैरह नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, बिना वक्त के खाना नहीं है, गाना नहीं है, शोज नहीं देखने हैं, नाचना नहीं है, गार्लैंड्स एंड ऑर्नामेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड एंड लग्जरियस थिंग्स वो यूज़ नहीं करते थे, और गोल्ड एंड सिल्वर भी रिसीव। सो दैट्स ऑल फ्रॉम विद दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी सब बहुत सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं, मतलब वीडियोज़ अपलोड होती हैं JKSSB से रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDFs। वहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी इंक्लूडिंग दिस वीडियो और जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनके भी। एंड फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।